Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your moral book. Let us start the chapter. This is chapter 9. Chapter name is Republic Day. Let us start the chapter with a thought. We all are unite under the banner of national flag. Let us start this chapter. This is the story of Poonam. She is joining a parade in Delhi. Let us start the chapter. Poonam nervously watched the peoples around her. शी कु हार्डली बिलीव दैट शी वॉज हियर ठीक है वो बहुत तो क्या होता है पूनम जो नर्वस थी थोड़ा सा वॉच कर रही थी लोगों को आस पास और वो खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो यहाँ पे है एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज ट्रेवलिंग हर ऑन हर ओन विदाउट हर फैमिली ये पहली बार था जब वो अकेले ही ट्रैवल कर रही थी अपनी फैमिली के साथ नहीं कर रही थी ट्रेवल यट इवन एज शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर फैमिली शी फेल्ड एक्साइटमेंट एंड प्राइड कोर्स कोर्स Throw her veins after all she was here to represent tamil nadu at the republic day parade in capital city of द कंट्री तो क्या था ये बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था कि जब वो पहली बार जा तो रही थी और एक्साइटमेंट भी थी पहली बार वहाँ से तमिलनाडु से वो कहाँ जा रही थी न्यू दिल्ली जा रही थी रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट करने दिस वॉज हर फर्स्ट ट्रिप टू नॉर्थ इंडिया पहली बार ये था जब वो नॉर्थ इंडिया की ट्रिप कर रही थी द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड इट्स कोल्ड विंटर वेयर वेरी न्यू टू हर क्या था वो ठंडी उसके लिए बहुत ही न्यू थी, थी वहाँ की क्योंकि तमिलनाडु के साइड में कोस्टल एरिया है वहाँ ठंड नहीं पड़ती है उसके लिए नया था इवन द लैंग्वेज फेल्ट स्ट्रेंज ऑन ईयर्स यूज टू द रिदमिक ऑफ़ तमिल तमिल जो सुनता हो रेगुलरली और वो अभी जो नॉर्दर्न इंडिया की हिंदी और इंग्लिश सुन रहा था तो वो थोड़ी सी अलग लग रही थी बट शी शून फाउंड दैट नॉन ऑफ हिज मैटर्स लेकिन उस जल्दी ही समझ गई कि वो उन सबके लिए मतलब उसकी बातों के लिए ध्यान ना दें शी ए प्राउड मार्च इन द परेड एज इट वेंट अलोंग द बोर्ड राजपथ जैसे ही वो बोर्ड में जाएगी वहाँ लेकिन उसको क्या करना है परेड करने जाना है उसमें ध्यान वो सोचने लगी ठीक है शी प्राउडली मार्च इन द परेड एज इट वेंटेड अलॉन्ग द बार्ड राज बोर्ड राजपथ मार्चिंग स्मार्टली पूनम सॉ द प्रेसिडेंट टेक द सल्यूट क्रॉम स्पेशल दाई वेअर द सर्वल्स डिग्नेट यस फ्राम अदर नेशंस वो प्रजेंट क्या था उसके बाद जब वहाँ पहुंची तो वो प्राउडली क्या है मार्च में पार्टिसिपेट किया राजपथ के पास उसके बाद उन्होंने क्या किया स्मार्टली उसने सेल्यूट किया पूनम ने प्रेसिडेंट को देखा सैल्यूट करते हुए स्पेशल डाई के साथ और सर्वल्स बहुत सारे लोग बाहर से जो भी आए थे नेशन के उन्हों को भी सैल्यूट किया ठीक है नेक्स्ट The band played Sari Jahasi Acha and puna felt understanding entered her heart. People from different states had some had come together on this day, united as Indians. The difference in the costumes or language added to the beauty of the country, they all belong to. All Indians salute the same flags. तो क्या हुआ पूनम ने भी बैंड में क्या बजा सारे जहाँ से अच्छा बजा और पूनम को तब वो रिदम समझ आ रहा था बाय द हार्ट क्योंकि तमिल में अलग और ऐसे में अलग लैंग्वेज होती है तो इसीलिए वो तब भी समझ आ रहा था और लोग जो अलग डिफरेंट स्टेट के हैं वो साथ आते हैं इस दिन इंडिया में एक साथ यूनाइट होते हैं और डिफरेंट कॉस्ट्यूम लैंग्वेज होने के बावजूद भी ब्यूटी ऑफ कंट्री जो है हमारी शो करती है बिलोंग करती है ऑल इंडियन सैल्यूट करते हैं सभी जो भारतीय हैं वो एक ही फ्लैग को देख के सैल्यूट करते हैं पूनम विश्ड हर फैमिली कुड हैव बीन देयर बट शुड अंडरस्टूड दैट शी हैड अनदर फैमिली विथ हर द फैमिली ऑफ यूनाइट स्टेट इंडियंस इंडियंस गॉज हर होम एंड ऑल इंडियंस आर हर फैमिली मेम्बर्स तो पूनम को क्या विश था कि उसकी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ होनी चाहिए थी उसको समझने के लिए लेकिन द फैमिली तो लेकिन उसको तब समझ आया कि वो फैमिली मेंबर्स नहीं है लेकिन हमारी जो इंडिया है हमारी एकता है हमारे इंडियंस की वो साथ में है और हमारी इंडिया जो है वो एक घर है और सारे इंडियंस हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं नाव मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी मस्ट शो रिस्पेक्ट फॉर आर नेशनल फ्लैग एंड अदर नेशनल सैम्बल्स ठीक है तो हमें क्या दिखाना चाहिए हमें ए, हमारी ए, जो नेशनल फ्लैग है और हमारा जो सैम्बल्स हैं और हमारी जो भी ए, कंट्री के रिलेटेड नेशनल चीज़ें हैं उनको हम क्या दिखाना चाहिए रिस्पेक्ट और सभी के लिए हमें रिस्पेक्ट फुल रहना चाहिए रिवाइज द चैप्टर एंड कम्प्लीट योर वर्क इन योर बुक एंड नोट बुक ऑल्सो थैंक यू